हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज मैं आपके लिए पालक के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। छोटे बच्चे अक्सर हरी सब्जियाँ खाने में बहुत ही नखरे करते हैं, तो आप इस पराठे को बना के आप आराम से खिला सकते हैं बच्चों को। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और इस रेसिपी को आप इन तक देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं हम पराठे। पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ के जी पालक को साफ करके बॉईल करके रख लिया है। एक कप फ्रेश दही लिया है मैंने, इससे पालक में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने एक चम्मच अजवाइन लिया है, एक चम्मच सौंफ लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है मैंने, एक चम्मच कलौंजी लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है मैंने, चार हरी मिर्च और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है मैंने। आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, यहाँ मैंने लहसुन नहीं डाला है। पराठे में लगाने के लिए रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम पालक को ग्राइंड कर लेंगे। अक्सर खाने में पालक मुंह में आ जाता है, तो इसको हम ग्राइंड करके डालेंगे, इससे पराठा भी सॉफ्ट बनेगा और खाने में भी नहीं आएगा। इसमें मैंने आधा कप दही डाल दी है। इसके बाद हरी मिर्च और अदरक डाल के इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे हम। ये देखिए पेस्ट रेडी हो गया है, इस तरह से इसको फाइन पेस्ट बना लेना है। तो अब हम आटा गूंथने के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पे मैंने चार कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें सबसे पहले हम नमक डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे, इन सारी चीजों को मिला देंगे हम आटे में। कलौंजी डाल दिया है मैंने, सौंफ डाल देंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, अब हम इनको ठीक से मिला देंगे। इनको अच्छे से मिला देंगे हम ताकि इनका टेस्ट बराबर आए। ये देखिए यहाँ पे मिल गया सारी चीजें। तो अब हम इसमें जो पेस्ट बनाए हैं उसको डाल देंगे। इसमें मैंने पालक का पेस्ट डाल दिया है, तो अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हमें पानी का यूज नहीं करना है, जो बची हुई दही है उसी से हम इसका डो तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने पालक को अच्छे से मिला लिया है, तो अब हम दही धीरे धीरे डाल के इसका एक डो तैयार करेंगे, इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें। ये देखिए हमारा डो भी रेडी हो गया है, तो अब हम इसको ढक के 10 मिनट तक सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गया है, तो अब हम इसको एक बार फिर से मल लेंगे। यहाँ मैंने हाथ में थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लिया है, इसको हाथ में लगा करके हम आटे को फिर से 1 से 2 मिनट तक गूंथेंगे। चलिए अब पराठा बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ हम आटा ले लेंगे। यहाँ मैंने एक साथ कई सारी लोइयां बनाई है, आप चाहें तो एक एक करके भी बना सकते हैं। अब हम एक साथ
लोइया बना लेंगे। एक साथ लोइया बनाने से सारे पराठे एक बराबर बनते हैं। इसके पेड़े बना लेंगे हम और धीरे धीरे प्रेस करते हुए चारों तरफ घुमा घुमा करके बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हमें, पराठों को थोड़ा मोटा ही रखना है, इससे पराठे फटते नहीं हैं। ये देखिए पराठा रेडी हो गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा आटा मिलाया है जिससे पराठे बेलने में आसानी हो सके। ये देखिए ये दूसरा पराठा बेल लेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला है मैंने इसको, थोड़ा मोटा ही रखेंगे इसको हम। अब चलिए पराठा सेकने के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ मैंने गैस ऑन करके तवा रख दिया है, तवा को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऑयल लगा देंगे। यहाँ पे मैंने तेल लगा दिया है। तवे को अच्छे से गर्म करके मैंने इसमें तेल लगा दिया है। तो अब हम इसमें पराठा डालेंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे मैंने पराठा डाल दिया है। पराठा एक तरफ से सिक गया है तो मैंने पराठे को पलट दिया है यहाँ पे। ये देखिए पराठा दूसरी तरफ से भी सिक गया है तो मैंने ऑयल लगा दिया है यहाँ पे। इसको दोनों तरफ से तेल लगा करके हम अच्छी तरह से सेकेंगे, प्रेस करते हुए सेक लेंगे ताकि पराठा कच्चा ना रहे। ये देखिए हमारा पराठा रेडी हो गया है। तो हम दूसरा पराठा सेक लेंगे। देखिए इसको भी पलट दिया मैंने। अब इसमें हम तेल लगा लेंगे अच्छी तरह से। देखिए तेल लगा लिया है मैंने। तो अब हम इसमें दूसरी तरफ तेल लगाएंगे। इस तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। ये पराठा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। आप भी बनाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए फ्रेंड, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।